हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैन या लैंग्वेज क्लासेस फ्रेंड्स आज हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो हमें डेली लाइफ में फेस करने होते हैं और कैसे इनको आंसर करना है आज देखते हैं इस वीडियो में जनरल सिचुएशंस टाइप क्वेश्चन आपके लिए हाजिर है जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वाइट सिंपल और बहुत बार आपसे पूछा गया हो या आप ही पूछते होंगे तो कैसे इस क्वेश्चन को आंसर करना होता है चले देखते हैं वट डू यू डू आप क्या काम करते हैं तो इसका सिंपल सा आंसर है अकॉर्डिंगली जो आप करते हैं उसी के बेस पे आप आंसर करते हैं कोई स्टूडेंट है तो कहेगा आई एम अ स्टूडेंट और आई वर्क इन अ बैंक आई एम अनएम्प्लॉयड एट द मोमेंट आई रन माई ओन बिजनेस और द सिचुएशन में लाइक दिस आई एम रिटायर्ड नाउ आई यूज टू बी एन इंजीनियर आई यूज़ टू बी अ टीचर आई यूज़ टू बी अ डॉक्टर सो व्हाट डू यू डू आप क्या काम करते हैं इसका आप कोई सा भी आंसर दे सकते हैं इन वेज में नेक्स्ट क्वेश्चन आर यू मैरिड क्या आपकी शादी होगी है क्या आप शादीशुदा है तो आंसर आप कर सकते हैं येस आई हैव बीन मैरिड फॉर टू ईर्स नाउ तो जितने वर्षे से आपकी शादी बनी हुई है आप उस अकॉर्डिंगली आप आंसर कर सकते हैं येस आई हैव बीन मैरिड फॉर टू ईयर्स नाउ आई एम डिवोर्स्ड आई एम एंगेज्ड वी आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर आई एम एंगेज वी आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर अभी मंगनी हुई है तो अगले साल हमारी शादी हो रही है नोप आई एम सिंगल जब आप सिंगल हैं बैचलर हैं तो आप इसका आंसर कर सकते हैं नोप इनफॉर्मल वे है टू से नो तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाई आर स्टडिंग इंग्लिश आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं आप क्या मकसद है आपका इंग्लिश सीखने का आंसर कैन बी फॉर वर्क आई आई लर्न इंग्लिश फॉर वर्क आई आई स्टडी इंग्लिश फॉर वर्क काम में मुझे इंग्लिश की जरूरत पड़ती है दैट इज़ वाई आम लर्निंग इंग्लिश तो सिंपल सा आंसर आप दे सकते हैं फॉर वर्क और यू कैन आंसर इट सो आई कैन कम्यूनिकेट वन आई ट्रावल वन आई आई मू आउट ऑफ स्टेशन आउट ऑफ स्टेट वहाँ पे आपको इंग्लिश की ज़रूरत महसूस होती है दैट वे आप इंग्लिश को स्टडी करते हैं सो आई कैन कम्युनिकेट व्हेन आई ट्रैवल आई लव लर्निंग आई लव लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस या आप किसी काम पर्पस के लिए नहीं सीखते हैं बस आपको नई नई लैंग्वेज सीखने का शौक़ है उस पर्पज़ से आप लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आंसर कर सकते हैं आप आई लव लर्निंग न्यू लैंगवेज़ और द आंसर कैन बी बिकॉज़ आई वुड लाइक टू इमिग्रेट टू द यू एस टू कनाडा तो जो आपकी सिचुएशन होगी उस हिसाब से आप आंसर करेंगे आई एम थिंकिंग ऑफ स्टडी इन इंग्लैंड नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश आपने इंग्लिश कहाँ पे सीखी है या हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश आपने इंग्लिश कैसे सीखी है इसका आंसर आप दे सकते हैं आई टू क्लासेस फॉर थ्री ईयर्स आई टू क्लास फॉर वन ईयर आई डिड एन इंटेंसिव कोर्स आई हैव बीन स्टडिंग ऑन माई ओन मैंने खुद से ही इंग्लिश सीखी है आई हैव बीन स्टार्डिंग बाई माई सेल्फ या आई पिकड इट अप्राम मूवीज एंड सॉन्ग्स मूवीज़ देखते देखते या सॉन्ग्स सुनते सुनते मैंने इंग्लिश सीखी है या आंसर कैन बी माई फ्रेंड टॉट मी इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वट डू यू डू इन योर फ्री टाइम आप फ्री वक्त में क्या करते हैं कैसे स्पेंड करते हैं आप अपना लेजर आप आंसर कर सकते हैं आई डोन्ट है फ्री टाइम मैं पूरा टाइम बिजी रहता हूँ कोई फ्री टाइम नहीं रहता है आई यूजली हैंग आउट विद फ्रेंड्स हैंग आउट मीन्स मीट आई मीट माई फ्रेंड्स आई मीट विद माई फ्रेंड्स मैं दोस्तों से मिलता हूँ आई गो रनिंग अलॉट मैं रनिंग करता हूँ जॉगिंग करता हूँ आई डू वॉल्टियर वर्क कोई भी काम हो मैं करता हूँ फ्री टाइम है लेजो में आई लाइक रीडिंग एंड रिलैक्सिंग एट होम मैं कुछ नहीं करता हूँ बस घर में चुपचाप बैठता हूँ तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर कि आप फ्री टाइम में कैसे आप फ्री टाइम कैसे स्पेंड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी व्हाट इज़ द वेदर लाइक मौसम के बारे में पूछते हैं व्हाट इज़ द वेदर लाइक आज मौसम कैसा है हाउ इज़ द वेदर तो आंसर कर सकते हैं आप हॉट एंड ह्यूमिड बहुत ही गर्मी है इट्स पोरिंग इट्स पोरिंग मीन्स बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है टेक एन अम्ब्रेला इट्स पॉरिंग टेक एन अम्ब्रेला ए लिटिल चिल्ली थोड़ी सर्दी है यू माइट वन ब्रिंग ए जैकेट या आपका आंसर ये भी हो सकता है गॉजस परफेक्ट समरडे बढ़िया मौसम है बहुत ही अच्छा दिन है आज इट्स क्वाइट कोल्ड मेक श्योर टू बंडलोज नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम इज इट डू हैव द टाइम? वक्त क्या हुआ है अभी वक्त क्या हुआ है इसका आंसर कर सकते हैं आप इट्स टेन ओ क्लॉक इट्स हाफ पास फोर यानी साढ़े चार इट्स क्वार्टर टू टी पौने बारह ले मी चेक माई फोन सॉरी आई डोंट नो मुझे पता नहीं क्या वक्त है तो शॉपिंग एंड सोशल क्वेश्चन वैन गो आउट शॉपिंग टू परचेज समथिंग तो वहाँ आप कैसे क्वेश्चन फेस कर सकते हैं और उनका आंसर कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन कैन आई हेल्प यू डू यू नीड एनी हेल्प तो आप शॉप में जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है वहाँ पर जो वहाँ का एम्प्लॉय है सेल्स पर्सन है वो आपसे क्वेश्चन करता है कैन हेल्प यू डू यू नीड एनी हेल्प तो आप आंसर कर सकते हैं नो थैंक्स आई एम जस्ट ब्राउजिंग में ऐसे ही देख रहा था येस डू यू हैव दिस इन अ लार्ज साइज़ कोई आइटम आपने देख ली कोई गारमेंट कोई कपड़ा कोई स्वेटर शर्ट वग़ैरह तो आप उसका पूछ सकते हैं येस डू यू हैव दिस इन अ लार्ज साइज़ येस वेयर आर द ट्राई ऑन रूम्स यानी कोई चीज़ आपने सेलेक्ट की अब आप उसको ट्राई कर, करना चाहते हैं कि आप ही फ़िट आता है या नहीं एंड यू आस्क वेयर आर द ट्राई ऑन रूम्स या कैन यू है या कैन यू टेल मी हाउ मच दिस इज आप इसकी कीमत आप पूछ रहे हैं अच्छा नेक्स्ट आप ये भी बता सकते हैं या आई एम लुकिंग फॉर समथिंग अंडर रुपीज थाउजेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ इज इट गोइंग कैसे चल रहा है क्या चल रहा है ग्रेट कुडन बी बेटर या फाइन हाउ आर द थिंग्स विद यू नॉट बैड आई कॉन्ट कंप्लेन डू यू रियली वॉन्ट नो तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ इज़ इट गोइंग यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स लाइक फाइन गड वगैरह वगैरह तो जब आप ये आंसर देते हैं डू यू रियली वन अन्स आपके साथ हालात अच्छे नहीं है दैट इज़ वाई यू आस्क डू यू रियली वन नो इट मीन्स थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड थिंग्स आर एक्चुअली बैड विद यू एंड यू आर नॉट श्योर इफ द अदर पर्सन वॉन्ट टू लिसन योर प्रॉब्लम्स आर नॉट अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ आर यू फीलिंग कैसे महसूस कर रहे हैं आप ग्रेट नैवो बेटर आई एम ऑल राइट लाइक आई नीड अ वेकेशन लिल डिप्रेस्ड रियली ऑफल व्हेन यू फील फिजिकल और इमोशनल पेन यू कैन आंसर ऑफल रियली ऑफल तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस हाउ was योर डे आपका दिन कैसा था आंसर करेंगे आप रियली really गुड बहुत ही अच्छा प्रेटी अन इवेंटफुल मीन्स नथिंग स्पेशल नथिंग that day. या आप आंसर करेंगे वेरी प्रोडक्टिव सुपर बिजी अ टोटल नाइट मेयर टोटल नाइट मेयर didn't यू good. फील गुड ठीक है जब आपका दिन ठीक नहीं था आप कह सकते हैं नाइट मेयर टेरेबल्स कैरी और यू कैन से इट वॉज अ हॉरेबल इट वॉज हॉरेबल नेक्स्ट क्वेश्चन डे यू लाइक द मूवी आप मूवी गए थे और मूवी के बारे में आपसे ये पूछा जाता है कि आपने मूवी पसंद की या ना की तो आप आंसर करेंगे इट वॉज़ फैंटेस्टिक इट वज़ टेरेबल इट वॉज इन बैड अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो आप पॉजिटिव में कह सकें इट वॉज़ फैंटेस्टिक या इट वॉज इन बैड इसका भी मतलब है अच्छी थी मूवी तो अगर आपको मूवी अच्छी नहीं लगी यू कैन से इट वॉज़ टेरेबल या आप इस तरह से भी पॉजिटिव में आंसर करेंगे इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एवर सीन नो आई डेंट थिंक इट लिव अप टू द हाइप मींस जितनी इसको पब्लिसिटी दी गई जैसे इसको प्रेजेंट किया गया था इसका प्रोमो वगैरह उसके हिसाब से मूवी उतनी अच्छी नहीं थी नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी हाउ द पार्टी आप किसी पार्टी में गए और आपसे पूछते हैं हाउ वाज द पार्टी पार्टी कैसी रही क्रेजी इट वाज एब्सोल्युटली पैक्ड मींस बहुत सारे लोग थे बहुत भीड़ लगी थी वहाँ पे. इट वज़ अ गुड टाइम स्मॉल बट फन छोटी पार्टी थी लेकिन मज़ा आ गया देर वॉज हार्डली एनी बड़ी देर मीन्स कोई नहीं था वहाँ पे कोई अच्छी पार्टी नहीं थी बोरिंग आई कुडन वेट टू गेट आउट अ देयर बोर हुआ मैं. मैं बस निकलने की वहाँ पे कोशिश कर रहा था अच्छा कोई आपसे मदद के लिए पूछता है तो ऐसे क्वेश्चन करेगा कैन यू गिव मी हैंड कैन यू गिव मी हैंड मीन्स कैन यू हेल्प मी मतलब इन डूइंग फिजिकल टास्क वाइल मूविंग सम फर्नीचर और कैरिंग अ बॉक्स तो उस अकेले से, बंदे से वो काम नहीं हो पा रहा है वो उसको नहीं उठा पा रहा है और आपसे मदद मांग रहा है कैन यू गिव मी अ हैंड तो आप आंसर करेंगे अफकोर्स आई वुड बी ग्लेड टू विल इट टेक लॉन्ग श्योर जस्ट अ सेक जस्ट अ सेक मीन्स जस्ट अ सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन वट हैव बीन अप लेटली क्या कर रहे हैं आप आजकल लेटली रिसेंटली आप क्या कर रहे हैं तो आप इसको कंटिन्यूस में आंसर करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस में लाइक आई हैव बीन वर्किंग अ लॉट बहुत काम कर रहा हूँ आजकल मोस्टली स्टडिंग आई हैव बीन टेकिंग इट ईजी टेकिंग इट ईजी मीन इज रिलैक्सिंग डूइंग नथिंग इन टेंस स्ट्रेसफुल प्लानिंग माई समेकेशन नथिंग मच इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन what is the matter means what is the problem kya baat hai toh jab aap kisi ko depressed dek dekhte ya sad aapko koi lagta hai aap usse question hai, what is the matter kya baat problem the answer can be like this oh i am just having a rough day oh i am just having a difficult day oh i am just having a bad day i am not feeling so good i just found out my mother is in the hospital i would rather not talk about it nothing i am fine Thin, सिचुएशंस में आप ऐसे इनको आंसर कर सकते हैं अब रेस्टोरेंट क्वेश्चन रेस्टोरेंट टू हैव समथिंग देयर। तो आप इस तरह के क्वेश्चन वहाँ काउंटर कर सकते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक आपके पास वेटर आता है तो आपसे ये क्वेश्चन करेगा व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक आप क्या पीना पसंद करेंगे योर आंसर कैन बी आई सी टी प्लीज जस्ट वॉट फॉर मी वॉट यू हैव आपके पास क्या क्या है जूस लिस्ट क्या हम जूस देख सकते हैं कौन कौन से जूसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं नथिंग फॉर मी थैंक्स तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं आर यू रेडी टू ऑर्डर रेडी टू ऑर्डर मीन्स वन वेटर और वेटर आस्कज यू फार फूड यू वॉन्ट टू ईट तो आप अभी बैठे हुए हैं आप कुछ वक्त के बाद आप मंगाना चाहते हैं तो आप आंसर करेंगे नॉट कॉइट आई थिंक वी नीड अल मोर टाइम या व्हाट आर द स्पेशल्स टुडे मींस आज क्या स्पेशल है और उन स्पेशल चीज पे आपको डिस्काउंट भी कभी कभार मिलती है या ये आंसर कर सकते हैं यस आई विल हैव अ सीजर सैलड एंड देन द देकेड चिकन विद पटेटो द मोस्ट कॉमन वे टू आर्डर फूड इज़ टू हैव हैव इज़ टू से आई विल आप ऐसे अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आई विल हैव तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी थिंग ओके अब आप कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं तो आपके पास टाइमली जो है टाइम टू टाइम वेटर या वेटरस वहाँ आपको अटेंड करने आएगी कि आपको कुछ और चाहिए तो नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो शी आस्कज और द वेटर आस्कज़ टू यू इज़ एवरी थिंग ओके आंसर कैन बी येस एवरी थिंग इज़ फाइन थैंक्स इट इज़ ऑल डेलीशस कुड वी हैव सम मोर वाटर प्लीज एक्चुअली आई एम स्टिल वेटिंग फॉर फॉर्म साइड डिश साइड डिश जो चटनी वगैरह वो मिलती है अच्छा साइड डिश क्या होता है स्मॉल पोर्शन ऑफ फूड दैट ए कंपनी इज़ द मैन मील जो आपने मैन मील ऑर्डर किया उसके साथ में जो और साथ होता है वो छोटी सी डिश दैट इज़ द साइड डिश टू बी ऑनेस्ट माई फूड इज़ काइंड ऑफ कोल्ड कुड यू हीट इट अप तो टू बी ऑनेस्ट एक पोलाइट वे है डिप्लोमेटिक वे है जब आपको अपना कंप्लेंट इंट्रोड्यूस करना है या कोई नेगेटिव कमेंट देना है किसी चीज़ के बारे में जो आपको अच्छा नहीं लगा कोई आपको कमी लगी आ, उनकी सर्विस में तो आप ऐसे कर सकते हैं अपना आंसर स्टार्ट टू बी ऑनेस्ट माय फूड इज काइंड ऑफ़ कोल्ड कुड कुड हीट इट अप ठीक है तो इस तरह से आप इसको कंप्लेंट कर सकते हैं नेगेटिव कमेंट दे सकते हैं नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन कैन गेट यू एनी एल्स आपके लिए कुछ और मंगाया हूं? टू डी केफ कॉफ़ीज़ प्लीज़ टू डी केफ मीन्स विदाउट कैफीन जस दैक प्लीज़ जस दैक चेक मीन्स द लिस्ट ऑफ़ आइटम एंड द टोटल प्राइज टू पे फाइनल जो बिल है क्या क्या आपने लिया और इसकी क्या आपको बिल पे करनी है वेव लुक एट द डेजर्ट मेन्यू आई विल है स्लाइस ऑफ एप्पल पाई नो थैंक्स आई थिंक वी आर जस्ट अबाउट डन वे जस्ट अबाउट डन तो दीज वर द ट्वेंटी प्रोबेबल क्वेश्चन वेरी कॉमन क्वेश्चन जिन जो हम डेली लाइफ में इनको फेस करते हैं ये सब क्वेश्चन करते हैं एक दूसरे से या हमसे किए जाते हैं और कैसे इनको आंसर करना होता है फॉर प्रॉबेबल वेज में आपको या आप कोई सा भी आंसर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कर सकते हैं सो दिस इज़ ऑल फ्राम टूडेज लेक्चर होप यू हैव अंडरस्टड यू हैव इन्जॉयड इट तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़